जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बताया कि आरयूएचएस के कार्यवाहक वीसी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने संभाला है कार्यभार। कुलपति कार्यालय में डॉक्टर अग्रवाल ने कार्यभार संभाल लिया है। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद जोशी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी समेत कई चिकित्सक इस दौरान मौजूद रहे। तो नई जिम्मेदारी को संभाल लिया गया है डॉक्टर धनंजय अग्रवाल के द्वारा। आपको बताएं कि आरयूएचएस के कार्यवाहक वीसी बनाए गए हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। किस तरीके से कार्यभार संभाला गया है, बड़ी संख्या में वहां पर उनके सहयोगी भी मौजूद रहे हैं और अपनी प्राथमिकताओं को भी उन्होंने सामने रखा। ये सीधी तस्वीर आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को नई जिम्मेदारी कार्यवाहक वीसी की, आरयूएचएस की। तो कुलपति कार्यालय में डॉक्टर अग्रवाल ने कार्यभार को संभाल लिया है। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद जोशी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी भी मौजूद रहे इस दौरान।